बाइक को कर रहे हैं कोल्ड स्टार्ट, फ्यूल भी लेना पड़ेगा और हम लोग झारखंड में ही फ्यूल भराएंगे। चेन ल्यूब नहीं करा पाया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरा बाइक इतना टाइम तक बिना चेन ल्यूब के रहा है। तो सोमो का यहाँ पे रेडी हो गया है, सुष्मिता का ये कैश निकालने, हमारी राइड शुरू यहाँ से कोलकाता के लिए। 6 बजे निकलने का प्लान था लेकिन अब 7 बज चुके हैं, सनराइज़ काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग तिलमोचो ब्रिज पकड़ेंगे और वहाँ से फिर, एक सेकंड मिरर साफ कर लूँ, तिलमोचो ब्रिज पहुँचने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये लोग शायद रोड बनाने के प्रक्रिया में जला रहे हैं जिसके कारण थोड़ा धुआं हो रखा है। और पीछे सूरज इतना सुंदर, क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। गरगा नदी, बढ़िया लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और ये जो ग्लव्स हमने पहना है ये काम तो कर रही हैं, बट नॉट दैट गुड बिकॉज दीज आर नॉट लेदर ग्लव्स, दीज आर जस्ट राइडिंग ग्लव्स जो स्टड्स का मेरे पास है। ये वाले पुल से आपको व्यू दिखाते हैं, एक बार जब बताया था ना हम लोग साइकिल लेके आए थे तो वहाँ ऊपर एक मंदिर दिख रहा होगा बहुत हल्का, वहाँ पर हम लोग गए थे, फिर नीचे नदी में उतरे थे। काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ से, देखो पूरा फॉग है। और एक बार इस तरफ देखो, इस तरफ रेलवे का ब्रिज है लेकिन अभी ये शायद ऑपरेट नहीं होता है। अभी यहाँ पर जो है पूरे माउंटेन्स थे यहाँ पर, और माउंटेन्स को काट के ये वाला रास्ता बनाया गया था। तो दोनों तरफ पहाड़ी थी और बीच में पतली सी सड़क, और अभी क्या हुआ है इन्होंने पहाड़ के दूसरे टाइप भी काट दिया है, देखो वहाँ से दिख रहा है ना। और चाय पीने हम लोग इसी लिए रुके हैं ताकि जो भी थोड़ी बहुत नींद है वो भागे, क्योंकि हम लोग सब 2-3 घंटा 4 घंटा ऐसे सोए हैं। कितना सुकून मिलता है, ये लो चाय लो, चाय लो भाई लोग अपना। तो यहाँ सुबह सुबह चाय पी लिए, अच्छा लग रहा है चाय पी के, नींद जो है जो घुटना था वो टूट गया है। सनराइज उधर काफ़ी सुंदर, किधर है सनराइज, तो ऐसा बात अच्छा लग रहा है। कई सालों बाद मतलब हाईवे पे तो निकलते रहते हैं, खटिया कहीं नहीं मिला था, कई सालों बाद आज खटिए पे बैठे, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सारे भगवान को याद कर लेते हैं। क्रॉसिंग तो नहीं है बट रोड बहुत पतली है, क्योंकि बगल में जो मेन हाईवे बन रहा है वो भी बन रहा है, तो क्योंकि वो बन रहा है तो हम लोग इस रास्ते से चलते बनेंगे। थोड़ा सा डेविएशन है यहाँ पर, बस बस 881.5 लीटर्स ना। तो चलिए जी, हमारा टंकी हो गया है फुल, और टंकी फुल कराए हैं बंगाल सॉरी झारखंड में। बस अब गोविंदपुर पहुंचने वाले हैं और गोविंदपुर से पूरा हाईवे, ये जो हमने निकलने में थोड़ा सा देर किया ना, उस थोड़े से देर के कारण यहाँ पर धनबाद में बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया, बट दैट वॉज इनफ टू डू अ 30 मिनट्स डिले इन आर राइड। कोलकाता यहाँ से वही 220-230 किलोमीटर होगा। बराकर सामने है और बराकर बेसिकली हो जाता है एंड ऑफ झारखंड, बिगिनिंग ऑफ बंगाल, अगर आप झारखंड से बंगाल की तरफ जा रहे हो तो। ये रहा पहला टोल, आसनसोल 22 किलोमीटर। तो ये है हम लोग बराकर ब्रिज में, यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर है, यहाँ से भी माउंटेन्स दिखते हैं बहुत सारे। आगे एक और ब्रिज दिख रहा है, बगल में एक ब्रिज है, हम लोग आपस आते वक्त इससे गए थे, मतलब कोलकाता से बोकारो जाते वक्त।
और ये हम लोग आ गए बंगाल में, ये है बंगाल। तो बंगाल में एंट्री कर लिए हैं, सामने रूटीन चेकिंग का लग रहा है चेक पोस्ट है। मुस्कुराइए, आप बंगाल में हैं। यहाँ पर एक जगह रुके हम लोग और ये है हिंदुस्तान होटल आई हो सॉरी हिंदुस्तान होटल याद आ गया। हुआ क्या कि हमें बहुत ज़ोर का नींद आ रहा था, मतलब शुरू में जो नींद आ रहा था ना वहाँ पर मुझे, हम लोग रुक के चाय पिए थे, उससे ज़्यादा भयंकर नींद अभी आया। मतलब वो तो ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर देखे नींद का, इतना ज़ोर से नींद आ रहा था। ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई जगह मिल जाए, फिर सुष्मिता बोली कि उसको वॉशरूम जाना है, मैं बोला चलो थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो पेट्रोल पम्प भी बगल में ही था, वो वॉशरूम चली गई और बगल में ही देखा कि ये जगह है, तो सोचे चलो चाय वाय पी लेते हैं, नाश्ता भी कर ही लेते हैं, रुके हैं तो बार बार नहीं रुकेंगे। ये बैठे हैं ये लोग हमारे दोस्त, और ये हैं आपका होस्ट। अच्छा दिख रहा है ना, चलिए वीडियो कॉल कर रही है घर पे। ये हमारा चाय, हाँ 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 हाँ। तो आलू पराठा आ गया, अपना आलू पराठा खाते हैं। फोन पे मम्मी आलू पराठा दिल को सुकून और ठंडक मिला। तो चलिए जी, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तीसरा टोल गेट है और यह है दुर्गापुर का टोल। सोमो आगे कितना निकल गया है पता नहीं, मैं तो अच्छा खासा भगा रहा हूँ लेकिन नज़र में नहीं आ रहा है। इन्होंने इशारा किया रुक जाओ तो मैं रुक गया। आपको एक बात बता दूँ, ये बस वाले ट्रक वाले अगर आपको रुकने के लिए बोले, निकलने के लिए बोले, शांति से इज्जत से सुन लो। अगर कोई नए राइडर हैं हाईवे तो उनके लिए बता रहा हूँ, ये जिस रोड पर हम लोग अभी इस तरफ है ना, इसी रास्ते से मतलब कि दूसरे तरफ से जब रिटर्न आए थे रोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही इस तरफ रोड का हालत काफ़ी ख़राब है। तो ये सोमो उधर से जा रहा है और हम आ गए इस तरफ, कट मार के। हाँ तो सोमो क्या है कि आगे से बर्दवान होकर के, मतलब हम लोग बर्दवान में हैं, वो बालीचक के तरफ मुड़ जाएगा, हम लोग वो डेविएट हो जाएगा, हम लोग सीधे कोलकाता के तरफ चले जाएंगे। पहुंच के बताना ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ पहुँच के बताएंगे। 1128 किलोमीटर तो हो ही गया, हाँ चलो 1300 हो गया आज तो, ठीक है चलो चलो टाटा। दुग्गा दुग्गा ये जा रहा है सोमो, अच्छे से जाना भाई। ये बस हम लोग अपने कोलकाता का रास्ता पकड़ते हुए, तो भाई कोलकाता आके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थके हुए हम लोग सारे,